आखिर क्यों पुष्पा 2 में नहीं होगा सामंथा का हॉट आइटम सॉन्ग? और नॉर्थ कोरिया के ऐसे खतरनाक रूल्स जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यूपी का एक ऐसा गांव जहां पर पिछले 35 साल से कोई भी व्यक्ति पुलिस स्टेशन नहीं गया, पर क्यों? जानने के लिए बस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। फैक्ट नंबर 1, पुष्पा फिल्म में सामंथा का आइटम सॉन्ग बहुत ज्यादा पसंद किया गया था, जिसे देखकर इस फिल्म के डायरेक्टर ने पुष्पा 2 में भी सामंथा का एक आइटम सॉन्ग प्लान करके रखा हुआ था। लेकिन अब सामंथा ने पुष्पा 2 में आइटम सॉन्ग करने से मना कर दिया है। असल में सामंथा का मानना है कि जब पुष्पा का आइटम सॉन्ग बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ तो उससे इन्हें बहुत खुशी हुई, लेकिन इस बात का दुख भी हुआ कि लोग उनके सारे कामों को भूलकर इस आइटम सॉन्ग को लेकर उनकी तारीफ कर रहे हैं। सामंथा का मानना है कि वो एक्टिंग के लिए जानी जाती है और लोगों को उनके बाकी कामों को भी सराहना करनी चाहिए और उनकी इमेज आइटम सॉन्ग वाली न बन जाए, इसलिए उन्होंने पुष्पा 2 मूवी में आइटम सॉन्ग रिजेक्ट कर दिया। फैक्ट नंबर 2, नॉर्थ कोरिया को दुनिया का सबसे खतरनाक देश माना जाता है और नॉर्थ कोरिया में कुछ ऐसे रूल्स हैं जिन्हें अगर आप नहीं मानते तो आपकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाएगी। नॉर्थ कोरिया में आप अपने लीडर्स को उनके नाम से नहीं पुकार सकते। अगर आप कभी भी उनका नाम लेते हैं तो आपको उसके आगे डियर लीडर लगाना पड़ेगा, और अगर आप नॉर्थ कोरिया में रहते हैं तो आपको किसी और देश के जाने की इजाजत नहीं होती है। फैक्ट नंबर 3, यूपी का एक ऐसा गांव जहां पर पिछले 35 साल से कोई भी FIR नहीं हुई। इस गांव का नाम है शाहजहांपुर और यहां अगर किसी बात को लेकर दो पक्षों में बीच कोई भी विवाद हो जाए तो कोई भी पक्ष थाने नहीं जाता, बल्कि गांव में ही बैठकर पंचों द्वारा फैसला कर दिया जाता है, और बाद में जिसकी गलती सामने आती है वो पंचों के सामने दूसरे पक्ष से माफी मांग लेता है और गले मिलकर विवाद को खत्म करा दिया जाता है, और यही कारण है कि यहां पर पिछले 35 साल से कोई भी पुलिस स्टेशन नहीं गया। फैक्ट नंबर 4, हमें जब भी पैसे चाहिए होते हैं तो हम ATM से पैसे निकाल लेते हैं, लेकिन सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहां ATM से पैसों के साथ साथ आप सोने के सिक्के, सोने के बिस्किट और सोने की ईंट तक निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, पैसा देकर। इसके अलावा सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहां पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और इसी वजह से यहां पर ट्रैफिक जाम बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन इसी समय वहां के कुछ अमीर लोग अपने लिए प्राइवेट हेलीकॉप्टर मंगवा लेते हैं और ट्रैफिक से निकल जाते हैं। फैक्ट नंबर 5, आंध्र प्रदेश में नरसिम्हा स्वामी नाम का एक मंदिर है जहां की दान पेटी में लोग दक्षिणा भी देकर जाते हैं, तो एक दिन जब वहां की दान पेटी को चेक किया जा रहा था तब दान पेटी में राधा कृष्ण नाम का एक आदमी बिना कोई तारीख डाले 100 करोड़ का चेक डालकर गया था। अब जैसे मंदिर समिति वालों को वो चेक मिला वो जल्दी से पहुंचे बैंक लेकर। जैसे बैंक वालों ने उसे चेक किया तो सिस्टम में चेक किया तब पता चला कि उस बंदे के अकाउंट में बस 17 रुपए ही है। जी हाँ, अब मंदिर वालों को आया गुस्सा और उन्होंने उस आदमी पर चेक बाउंस का केस दर्ज करा दिया। फैक्ट नंबर 6, इन जंगली सुअरों ने अमेरिका वालों की नाक में दम करके रख दिया। ये सुअर इनके फेवरेट गोल्फ गार्डन को तबाह कर देते हैं, गड्ढे खोद देते हैं और कोई भी फसल होने नहीं देते। इससे निपटने के लिए अमेरिका ने कई तरीके अपनाए लेकिन सभी तरीके फेल रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फेंस लगाया गया तो ये ऊपर से कूद कर चले जाते हैं, और अगर आखिरी में इन्हें पकड़ कर पिंजरे में डाल भी दिया तो ये सुअर इतने इंटेलिजेंट है कि पिंजरे से बाहर निकलने का तरीका भी ढूंढ लेते हैं। इन सुअरों के कारण अमेरिका को हर साल $2.5 बिलियन का नुकसान होता है। सरकार ने सोचा कि इन्हें मारकर इनकी जनसंख्या कम कर देते हैं, लेकिन जितना इनका शिकार किया जाता है उससे अधिक तेजी से ये वापस फैल जाते हैं। फैक्ट नंबर 7, हम सभी ने कभी ना कभी बचपन में एलियंस के बारे में तो सुना ही होगा, और एक सवाल जो हमारे मन में हमेशा आता है कि क्या एलियन सच में इस दुनिया में मौजूद है। इसी सवाल का जवाब देने के लिए 2021 में नासा ने अपना ये रोबोट मार्स पे भेजा था, तो उस कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ जिसे देखकर आपकी आंखों पर आपको विश्वास नहीं होगा। तो जब ये रोबोट वहां पर कैमरे से सभी चीजें रिकॉर्ड कर रहा था तो कैमरे में एक अजीब सी चीज कैप्चर हो जाती है जो आसमान में एक एलियन की तरह नजर आ रही थी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।